अब बात दलित बस्ती में साजिश की आग की। नवादा दलित बस्ती अग्निकांड में फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल की जांच की है। एफएसएल के एक्सपर्ट मौके से सबूतों को जमा कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। कांड की जांच जो है एफएसएल ने शुरू किया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि एफएसएल के जो वैज्ञानिक हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और अब यहाँ पे एग्जिबिट जो है उसका संकलन ये किया जा रहा है। इनके द्वारा जो एग्जिबिट है उसे यहाँ से संग्रहित की जा रही है और फिर इसकी जो जांच है वो लैब में की जाएगी। एफएसएल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ आए हैं, देख रहे हैं कि तमाम एग्जिबिट को उठाया जा रहा है इनके तरफ से और इसके बाद जांच की जाएगी। जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर यह साफ होगा कि किन पदार्थों को जो है इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि लोगों ने बताया कि पेट्रोल डाल करके घरों को जलाया गया है। हालांकि ये जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि किस जो है पदार्थ से ये आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर गोलियाँ चलाई गई है। हालांकि अब तक एक भी ऐसा जो है कांटे या जो खोखा है वो इस जगह से नहीं बरामद हुआ। हालांकि यहाँ से अगर हम बात करें तो तकरीबन 25 फीट दूर जो है वहाँ पे जरूर एक कट्टा मिला था, खोखा मिला था और जो यहाँ के जो डीएसपी हैं, एसडीपीओ हैं, उन्होंने उसे संग्रहित कर लिया है, अपने पास रखा है, उसकी भी जांच की जाएगी। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि अब इस मामले की विधि वैज्ञानिक जो जांच है वो की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के काफ़ी जो है चिंतित हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच का आदेश भी दिया जिसके आधार पर यहां पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो हैं वो मौके पे पहुंचे, उन्होंने भी जांच करी और अब एफएसएल की जांच जो है वो तस्वीर साफ कर देगी कि इस घटना के पीछे जो है किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। नवादा के लिए अमित कुमार। और नवादा की घटना पर जीतन राम माझी का बड़ा बयान सामने आया। माझी ने इस घटना के लिए यादव समाज को जिम्मेदार ठहराया। माझी ने कहा कि यादव समाज ने दलितों के खिलाफ दलितों को आगे किया है और यह घटना को अंजाम दिलवाया। नवादा में मुसार और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं, दुसार जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं वे लोग जमीन के ये में एकाध दुगो दुसार जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ाधरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि सिरुकाज ही जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग ये तोहमत लगा रहे हैं कि दलित नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। दलित नेता है कौन? दलित नेता जीतन मांझी क्या नहीं है? दलित मांझी दलित तो शुरू से बोल रहा है। विधानसभा में जब विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी हमने कहा था कि बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। तो जब बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है। और नवादा अग्निकांड को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। उस मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम माझी ने नवादा की घटना में यादवों का हाथ होने की बात कही, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भड़क गए। तेजस्वी यादव ने माझी पर विवादित बयान देते हुए कहा कि जीतन राम माझी को लोग जीतन राम शर्मा बुलाते हैं, जीतन राम माझी का सच से वास्ता नहीं है, दिल्ली से बिहार तक उनकी सरकार है और दोषी है, उनको पकड़ो और जेल भेजो। मांझी जी कुछ बोल रहे हैं और उन्हीं की राज्य सरकार जो लिस्ट जो है कुछ और जाने की है। तो हम तो कह रहे हैं जो बीजेपी देती है, जो आरएसएस देती है वो पढ़ते हैं। और जीतन राम मांझी जी का नाम मांझी जी है लेकिन लोग तो इनको प्यार से जीतन राम शर्मा बुलाते हैं, जीतन राम शर्मा। तो न्यूज 18 अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।